यदि आप पैट का रजिस्टर नंबर भूल गए हैं तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा, जिसमें आप जानेंगे कि आप अपने मोबाइल से अपनी पैट का रजिस्टर नंबर कैसे निकाल सकते हैं। पैट का रजिस्टर नंबर निकालने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इस पेज का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। पेज पर आने के बाद आप इस तरीके से नीचे आएंगे और आपको यहाँ तक आना है। आते हैं, यहाँ पर आपके सामने आ रहा है एप्लीकेट सेगमेंट। फ्रेंड्स, आप देखते हैं यहाँ पर आपको रजिस्टर नंबर फाइंड करने का कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कैंडिडेट हेल्प। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट हेल्प का सेक्शन ओपन हो गया है। कैंडिडेट हेल्प में फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है नो योर रजिस्टर नंबर। फ्रेंड्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, फिर से आपको आगे ले आएगा। आप इस तरीके से नीचे आएंगे। यहाँ पर रजिस्टर नंबर फाइंड करने के लिए आपको कैंडिडेट की डिटेल्स फिल करनी होगी, जिसमें आप कैंडिडेट का फुल नेम फिल करेंगे, कैंडिडेट के फादर का नेम फिल करेंगे, फिर आप देखते हैं नीचे आ रहा है डीओ डेट ऑफ बर्थ। फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है वो आप फिल करेंगे, जो भी कैप्चा आ रहा है यहाँ पर इंटर वेरिफिकेशन कोड। फ्रेंड्स, जो भी कैप्चा आपके सामने आ रहा है वो आपको इंटर वेरिफिकेशन कोड वाले कॉलम में फिल करना है। फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे सर्च पर और आप देखते हैं यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में आ रहा है फादर हस्बैंड फुल नेम। यदि वह महिला है फ्रेंड्स, वहाँ पर इनको फादर की जगह अपने हस्बैंड का नाम फिल करना है। और इन फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे सर्च पर। जब आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पर नीचे आपका रजिस्टर नंबर आएगा, कैंडिडेट का नेम आएगा, जो भी आपके फादर हस्बैंड का नेम होगा वो भी आपको यहाँ पर शो होगा। फ्रेंड्स, आप देखते हैं आप इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी पैट का रजिस्टर नंबर निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।